के पक्ष में वोट दिया। अब इसका फैसला सुनाया जाएगा, अब काउंट बताया जा रहा है। विनंती आहे की त्यांनी जरा माझ्याकडे लक्ष द्या। आता मी या प्रस्तावावरील मतविभागणीचा निकाल जाहीर करतो। प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या अनुकूल सदस्यांची संख्या वोट बताया जा रहा है 169 इतकी आहे। व प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करणाऱ्या 169 लोगों ने सरकार के पक्ष में संख्या वोट किया है, शून्य इतकी आहे। जो फ्लोर टेस्ट है 169 प्रस्तावाबाबत के नंबर से उद्धव ठाकरे ने पास कर लिया है। सदस्यांची संख्या उसको विरोध करने वाले सदस्य शून्य, क्योंकि सभी लोगों ने इसका बहिष्कार किया था और जो तटस्थ रहे, जो न्यूट्रल रहे, वो चार सदस्य रहे। सदर हो अनुकूल सदस्यों की संख्या 169, उद्धव ठाकरे के पक्ष में 169 सदस्यों ने वोट डाला है और 169 के मतों से उद्धव ठाकरे ने यह विश्वास मत का प्रस्ताव पारित कर लिया है। ये बात अब सामने आ गई है। 169 एक मिनट जयंत राव ने क्या बोला, आप सदन के दरवाजे खुले किए जा रहे हैं। गेले काही दिवस अब उद्धव ठाकरे भाषण करेंगे, पहले जयंत पाटील बात कर रहे हैं। घटना घडली आणि उद्धवजी ठाकरे आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून सभागृहात आले। खरं म्हणजे समोरच्या बाजूने मात्र गोंधळ झाला। जाणीवपूर्वक गोंधळ करण्याचं काम करताना या सभागृहात जे उपस्थित मंत्री आहेत त्यांनी शपथ घेताना जे टेक्स्ट आमच्या हातात होतं त्याच टेक्स्ट वाचन केलं। एखादं चांगलं काम, आनंदाची घटना घडत असताना आपल्या आयुष्यात आपलं जे दैवत आहे त्याचा उल्लेख जर कोणी केला। जयंत पाटील खास करून सफाई दे रहे हैं की आखिरकार जो शपथ ली गई वो सामने जो टेक्स्ट था उसी टेक्स्ट के आधार पर उन्होंने ये पूरा शपथ ली है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने उनके भलाई के लिए काम किया है उनका नाम लिया गया, तो उसपे क्या गलत है, ये बात जयंत पाटील वहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज, उनका कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज या बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया, उसपे क्या गलत है। महात्म्यांचं नाव घेताना समोर देवेंद्र फडणवीस आणि हे सगळे सोना वजा एनसीपी अब उसको ट्विस्ट करने की कोशिश कर रही है, कहकर कि कई सदस्यों ने ज्योतिबा फुले और बाकी सारे लोगों का जो नाम लिया इनको गुस्सा आने की क्या जरूरत है। बीजेपी के पर सवाल खड़े करने की कोशिश एनसीपी यहां पर कर रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, 169 सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया है और 169 सदस्यों के समर्थन से ये सरकार का बहुमत हासिल कर लिया है। उद्धवजी ठाकरे आज पहिल्यांदा त्यांच्या आयुष्यात त्या सभागृहात पाय ठेवतात। त्यांचा सन्मान ठेवणं कोणताही मतांची विभागणी जी होणार आहे ती मोजली। उद्धव ठाकरे पहिली बार कोर्टाने आदेश दिलेला इस सदन में आ रहे हैं। मतमोजणी करून घोडे बाजाराला वाव कुठं दिला नाही म्हणून आपलं अभिनंदन पहिल्यांदा मला करायचं। आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय अशा पद्धतीचा घोडेबाजार या 5 वर्षात प्रोटेम स्पीकर का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने किसी भी घोडेबाजार को समर्थन नहीं दिया। 169 आणि म्हणून मी या समर्थनार्थ भाषण करायची नाही हे आपलं ठरलेलं। आता चालेल टाका आतमध्ये। आतापर्यंत जे चुकीचं रेकॉर्डवर आणलं, प्रोटेम स्पीकर मंत्रिमंडळाला नेमण्याचा अधिकार आहे, रोज तो प्रोटेम स्पीकर बदलण्याचा तसा टेक्निकली अधिकार मंत्रिमंडळाला आहे। आणि जे मंत्रिमंडळ आलं त्याच्या प्रोटेम स्पीकरच्या नेमणुकीबद्दल वाद, शपथेबद्दल वाद अधिकार मंत्रिमंडळ को है। यही बात जयंत पाटील यहां पर रख रहे हैं। वाटत नाही त्या बाबतीत नियमानुसार बोलण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाला आहे, पण सगळे नियम बाजूला ठेवून आज विरोधी बाजूनं बोलण्यात आलं। माझी शंका अशी आहे की देवेंद्र फडणवीस हे विरोधी पक्ष नेता होण्यासाठी त्यांना थोडीशी कॉम्पिटिशन असावी, आणि त्यामुळे चंद्रकांत पाटील विरोधी पक्ष नेता होणार का देवेंद्र फडणवीस अशी काहीतरी मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को आणि विरोधी पक्ष नेता के पद के लिए कोई कॉम्पिटिशन है। त्यांना पूर्ण विचार करायला चंद्रकांत पाटील बनाम देवेंद्र फडणवीस ये स्पर्धा होगी। 105 आलेले आहेत, इसी के वजह से एकमत झाल्यावर विरोधी पक्षांना त्यांचं स्थान ग्रहण करायचं आहे। पक्ष मिळणं चाहिए सोचने के लिए कि कौन भाषण होणार आहे सभागृहामध्ये। नाही नाही सगळ्यांना नाही, आता कोणाला नाही।
प्लीज प्लीज मला कोऑपरेट करा। अध्यक्ष महोदय,